हाय फ्रेंड्स, ये फॉस्ट्रा कॉन्वेक्स्ट्रा GP2 सीमेंट है। इसको ग्राउटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यह इंडस्ट्रियल प्लेट के बॉटम में यूज़ किया जाता है ग्राउटिंग के लिए। ये 25 kg का रहता है और ये 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से इस्तेमाल कर देना चाहिए। और ये GP2 सीमेंट कैसा इस्तेमाल किया जाता है ये बताया गया है इसमें। 0.18 वाटर सीमेंट रेशियो इसका 4.5 लीटर वाटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और इसका मिक्सिंग है हाई टॉर्क लो स्पीड पैडल से मिक्स करना चाहिए। मिनिमम 3 मिनट्स मिक्स करना चाहिए और ये 20 मिनट्स के अंदर अंदर यूज़ कर देना चाहिए। और ये इंडस्ट्रियल बेस प्लेट्स के बॉटम में बिलो 10 mm थिकनेस जो रहता है उसमें यूज़ करना चाहिए। अगर बिलो 100 mm थिकनेस जो बेस प्लेट के नीचे रहता है तो उसके लिए ये ग्राउटिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 100 mm से ज़्यादा एक्सीड थिकनेस हो जा रहा तो उसके 10 mm एग्रीगेट यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस बार मिसेबल थिकनेस में इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इसको 7 डेज तक मिनिमम क्यूरिंग करना चाहिए। ये मिक्स करने का तरीका है, आप देख सकते हैं 4.5 लीटर वाटर से इसमें मिक्स किया जा रहा है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब सिविल इंजीनियरिंग साइट चैनल।